काफ़ी टाइम बाद फिर से एक सुहाना सा फरीद प्रशून का वीडियो शूट करने का मन हुआ। और अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, शुभम और रितेश के साथ डिनर पे। तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है और ये भी अनप्लान वीडियो है, लेट्स सी आगे कैसे जाता है। तो बहुत टाइम बाद आपका सुहाना सा फरीद प्रशून में फिर से स्वागत है, और आइए आगे छोटे से एक जर्नी में आपको साथ ले चलते हैं। सो हेलो गाइस, मतलब बहुत दिन बाद हम लोग मिले हैं सबके सब। तो जस्ट वी वॉन्टेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर। ये झूठ है, मनी मन में कर यार है। तो जस्ट हमने प्लान किया है कि रैंडम प्लान था कि हम जस्ट जाएंगे एक डिनर करने। सो वी डिसाइडेड टू गो टू न्यूरॉन्स। आई हैवंट बीन देयर, बट ये दोनों जा चुके हैं न्यूरॉन्स बाय रंगरेजा। हाँ, तो जस्ट एक बार जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको बताएंगे खाने तक क्या हालत थी और सुबह क्या हालत होगी। तो आई विल लेट यू नो। और चलो गाइस, बाय बोल दो। बाय बाय। इससे बढ़िया फूड फ्लिक्स हो। तो शुभम भाई, कैसा एंबियंस है यहां का? अभी क्या बोलते हो, थोड़े पी रहे हैं। कैसा एंबियंस है रितेश भाई? इससे बढ़िया फूड फ्लिक्स है भाई। फूड फ्लिक्स में एंबियंस भी है। तो रितेश भाई, खाने में मजा आ रहा है? कैसा था बकरे के नखरे? बीप बीप। सो शुभम भैया, बकरे के नखरे आपको कैसे लगे? ये स्टार्टिंग में जितना भी स्टार्टर था वो तो बढ़िया था, बट बकरे ने, बकरे के नखरे ने इतना मसाला पड़ा हुआ है ना, कल सुबह पता लगेगा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। लेकिन बकरा ऑलरेडी मर चुका है। तो एक लोगों को 500 का बकरे की कुर्बानी जाए। बहुत बहुत स्पाइसी है? नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मसाला दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ये बकरे के नखरे हमें हांडी में मिले। खैर मज़ा आया ओवरऑल। तो चिली फिश का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया था। और चिकन टिक्का नॉर्मल था ना? ऐसे ही होता है। यहाँ का चिली फिश थोड़ा सा मुझे पसंद आता है। वही तो तो मैंने फोटोज या वीडियोज नहीं खींची डिशेज की, खाने में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, टाइम स्पेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, चिली फिश आप न्यूरॉन्स का ट्राई करें, हमारा फेवरेट है। अर्पिता, अनुज और मैं आते हैं तो स्पेसिफिकली उसको ज़रूर ट्राई करते हैं। चिली फिश हमारा मेन आइटम है, हम उसके लिए ही आते हैं एक तरह से कहें तो। बाकी यहाँ के नॉन वेज आइटम ए टू जेड बहुत बढ़िया है। और ये छोड़ के बकरे नखरे छोड़ के, बकरे के नखरे में आज इतना स्पाइसेस हैं कि हमारा हो चुका। हाँ, वो इतने नखरे किया बकरे ने कि बस हमारा आज के लिए डन है, हम रैप अप करेंगे अब के लिए। तो इसके बाद हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं बचेगा नहीं। तो कुछ फीडबैक रितेश भाई, बकरे के नखरे छोड़ के फूडफ्लिक्स से बेटर है? ठीक है, फूडफ्लिक्स इज बेटर। अच्छा, फूडफ्लिक्स इज बेटर। तो दोस्तों, फूडफ्लिक्स जाना ना भूले, ठीक है? और फूडफ्लिक्स का अनऑफिशियल प्रमोशन हो रहा है ये बेसिकली, मुझे लगता है अब तो फूडफ्लिक्स जरूर जाए और प्रोमो कोड झा 002 यूज करें, आपको 4% डिस्काउंट हो गया। 0% चाहता तुम्हारा ना, मेरा 1%। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आगे वीडियो ख़त्म करने वाले सेक्शन में। तो दोस्तों, इस छोटे से ब्लॉग का दी एंड करने हम आ गए हैं बदनाम गोलू टी स्टॉल। तो रंगरेजा न्यूरॉन्स के बकरे के नखरे झेलने के बाद हमारा इम्पोर्टेंट चाय, वो भी एट बदनाम गोलू टी स्टॉल। हमारा 2021 और 22 का सबसे मेन अड्डा रहा है। रात के 12 बजे के बाद हम यहीं आते थे, चाय की चुस्कियाँ और ढेर सारे गप्पे लड़ाते थे। पीछे आपको गेट नंबर 1 का साइन बोर्ड दिख रहा होगा, इसके जस्ट सामने गली है, उसमें आइए और इन्जॉय करिए। और इसी के साथ ही छोटे एक मिनी व्लॉग का अलविदा लेता हूँ आपको।
और ख्याल रखिएगा, और एडवांस में आप सबको हैप्पी होली, और ख्याल रखिए, मस्त रहिए। सुहाना सफर प्रशून में आपको हम और भी अपडेट्स इस साल कुछ ना कुछ नए देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, हमारा आज का दिन खत्म हो चुका है, मतलब डिनर वाला पार्ट, बाकी तो बहुत रात बची है। तो अभी हमारा आज का ब्लॉग खत्म हो चुका है, जो कि प्रशून भैया बना रहे थे सुहाना सफर विद प्रशून में। तो आपके जितने भी विचार विमर्श, आपकी जो भी सलाह है, वो कमेंट सेक्शन में आप दे के जाएं, मतलब दे के नहीं, मतलब लिख के जाएं, ठीक है, ज्यादा बेटर है। इंजॉय करें, खुश रहें, हैप्पी होली। हाँ अच्छा, इन्होंने बोला था कि होली के आपके क्या क्या प्लान है, सॉरी, ठीक है, तो सारे प्लान इनको बता दीजिएगा और झूठी बताइएगा ताकि ये पीछे पहुंच ना पाए। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुहाना सफर विद प्रशून। और पीछे हमारे नितेश भाई बैठे हैं, इनकी दुकान पे फूड फ्लिक्स पे खाइए। हेलो, बाय बाय।